हे गाइस, इट्स मोहित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बिटवेरटेक। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कैरिकेचर फोटो एडिटिंग या आप कह सकते हो कार्टून फोटो एडिटिंग के बारे में करना आपको सिखाया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 PNG और 3 बैकग्राउंड ही दिया था, तो जिसकी वजह से सारे लोग सिर्फ कॉमन एडिटिंग कर रहे थे, जिसको देखो सिर्फ वही बैकग्राउंड और वही PNG यूज़ कर रहा था। तो गाइस, इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैंने आज के वीडियो में आपको 150 से भी ज़्यादा कैरिकेचर PNG देने वाला हूँ, जिसमें बॉयज़ PNG, गर्ल्स PNG एंड बैकग्राउंड शामिल है। तो गाइज, ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखते रहना है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस कैरिकेचर बैकग्राउंड एंड PNGs को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको वो PNG एंड बैकग्राउंड्स दिखा देता हूँ। तो गाइज, सिंपली मैं यहाँ स्वाइप करके गैलरी ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड एंड PNG दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये जो है PNG, यहाँ पर कुछ गर्ल्स की भी हैं, बॉयज़ की भी हैं, तो देख सकते हो यार आप कितने कूल PNGs हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हो अपनी एडिटिंग में। ओके गाइज, देन यहाँ पर आपको 150 से भी ज़्यादा मिलती हैं। तो गाइज, मैं इस वीडियो में आपको सारी नहीं दिखा सकता, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ओके गाइज, तो यार डाउनलोडिंग लिंक आपको दो जगह से मिलेंगी। एक तो है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से भी लिंक ले सकते हो, और सेकंड है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर इस लिंक को पिन कर दूंगा। तो गाइस, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इस बैकग्राउंड PNG के लिंक पे क्लिक करोगे तो गाइस आप आ जाओगे इस वेबसाइट पर। तो गाइस, इस वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस, अगर आप चाहो इसे पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिंपली सबसे नीचे चले जाना है। तो अभी मैंने नेट ऑफ कर रखा है, तो मैं नेट ऑन कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके गाइस, इसको रिफ्रेश करने के बाद ये पेज फिर से लोड हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर डाउनलोडिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप इस पर सिंपली टैप करके रखना, देन यहाँ से आप डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं होगा गाइस। बहुत लोग ये चीज़ करते हैं, मैं उनको मना कर दूँ कि वो ये ना करें। सो इसके बाद गाइस, मैं आपको बता दूँ क्या करना है। आपको सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा। ओके गाइस, आपको सिंपली इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे URL शॉर्टनर वाली लिंक लगाई थी, जिससे कि यार ऑटोमेटिक वो वेबसाइट क्या करती है कि किसी और वेबसाइट पे भेज देती है विदाउट क्लिक करके, लेकिन इस बार मैंने खुद अपना URL शॉर्टनर का एक ब्लॉग बना के उससे किया है। तो सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड इसे कट कर देना है। ओके, देन गाइस उसके बाद आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ये जब तक ये प्रोसेस चले। ये 30 सेकंड का प्रोसेस है गाइस, इतने में ये रेडी हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली क्लिक हियर टू गेट लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 30 सेकंड का मैंने सिर्फ टाइमर लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पर किसी और URL शॉर्टनर का लिंक नहीं लगाया, क्योंकि यार उस पर जब लोग क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देती है किसी और वेब पेज पे, तो जिससे यार आप लोग ऐड तो देख पाते हो लेकिन जो कंटेंट आपको चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसे किया। ओके, तो गाइस सिंपली आपको गो टू लिंक पे क्लिक कर देना है एंड आपकी जो फाइल है आप दो जगह से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि क्रोम एक ड्राइव, तो यार आपको यहाँ पर सिंपली क्रोम या ड्राइव कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, मैं क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद गाइस यहाँ पर एक जिप फाइल की डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपली डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद इसकी जो साइज है 84 MB है। ओके, तो आपको सिंपली इसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा। तो गाइस, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, इसको डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इसको, ये जिप फाइल होगी, आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइस, इस एक्सट्रैक्ट करने की वीडियो मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप इसे कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये गाइस, जो भी न्यू फ़ोन आ रहे हैं उसमें ये फीचर होता है कि विदाउट ऐप वो एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप किसी भी जिप फाइल पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। ओके, उसके बाद गाइस आपको एक सिंपल सा डेमो दिखा देता हूँ कि आपको किस टाइप के बैकग्राउंड PNG मिल रहे हैं एडिट करके।
तो गाइस इसमें मैं बहुत फास्ट एडिट करूंगा। तो गाइस सिंपली मैं एडिट फोटो पर गया एंड यहाँ पर मैं किसी भी बैकग्राउंड पर चले जाता हूँ। गाइस मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ओके, देन ऐड फोटो पर गया, देन ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं हम। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद गाइस सिंपली किसी भी कार्टून का फेस हम ऐड कर देते हैं, जैसे ये फेस हुआ, हम इसे ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम सिंपली फेस पे ट्रेस कर लेते हैं। तो नहीं, ये नहीं हुआ, लेकिन गाइस के बाद हम इरेज पे क्लिक करके यहाँ पर ये इरेज कर देते हैं। हालांकि गाइस मैंने पहले इसे इरेज नहीं किया, मैं आपको दिखाने के लिए चीज कर रहा हूँ। ओके, देन इसे हम इसे इरेज कर लेते हैं। अगर हालांकि मैंने पिछली वीडियो आपको अच्छे से बता दिया है कि आपको इस तरह की कैरिकेचर इमेजेस कैसे बनानी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में भी डाल दूंगा। तो गाइस आप वहाँ से भी देख के इस कैरिकेचर फोटो को आप एडिट कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन की मदद से। तो गाइस मैं यहाँ पर रफली रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे में करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही रफली हो गया, उसके हेयर गायब हो चुके हैं गाइस। ओके, देन इतना करने के बाद मैं सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ एंड इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसका फेस को कुछ इस तरफ फिक्स कर लेता हूँ। ओके, देन आप देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा कूल लग रहा है। तो गाइस इसी टाइप के बैकग्राउंड्स पीएनजी मिलेंगे आपको इस स्टॉक फाइल में। ओके, तो यार अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और आपको इस फाइल को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, और गाइस वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल और दबा लेना बेल आइकन। सो गाइस पासवर्ड आपको अब स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एंड अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।